खेतीबाड़ी विभाग ने जिस जिहड़े सैंपल भरने होंगे वह खेतीबाड़ी विभाग की जिम्मेवारी है तो उन्होंने आपदे ही रिश्तेदारों नूं दुकानां खिला दियां तो इस करके उतों सैंपल सही भरे नहीं जाने ये पता नहीं किस तरह भी इन्हां ने उस अफसर ने जां किसी होर अफसर ने सैंपल भरिया सी फेल हो गए। ये हुण सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि ये जांच करे। सैंपल तो रूटीन मैटर है तो सैंपल तो मतलब मंथली टारगेट सानू मिलते हैं वो हर ब्लॉक है जोड़ा अपने टारगेट पूरे करने वास्ते रूटीन मैटर के नाल सैंपल मतलब भरता उ रूटीन के दुकान तो मतलब सैंपल भरया गया जोड़ा फेल पाया गया। एक पासे जिथे पंजाब सरकार वालों किसानों नूं म्यारी बीज खादा अते कीड़ेमार दवाइयां दी सप्लाई यकीनी बनाउण दे वड्डे दावे कीते जांदे ने उत्थे ही दूजे पासे खेतीबाड़ी महकमा मोगा विच तैनात एक खेतीबाड़ी अफसर दे भरा वालों पेस्टीसाइड दी दवाइयां दी दुकान चलाई जा रही है जिस ते किसानों नूं माड़ियां दवाइयां वेचण दे इल्जाम लगे ने। एक किसान वालों गुप्त तौर ते खेतीबाड़ी महकमे विच इस संबंधी शिकायत की गई सी। महकमे वालों कार्रवाई तो की पर सिर्फ एक दवाई के सैंपल लए गए जो कि फेल साबित होए। किसान अनुसार इस दुकान दियां सारियां दवाइयां दे जेकर सैंपल लए जाण तां ओह वी फेल होणगे। बड़ी वड्डी जांच का विशा नवदीप जी क्योंकि खेतीबाड़ी विभाग ने जिस जिहड़े सैंपल भरने होंगे वह खेतीबाड़ी विभाग की जिम्मेवारी है तो उन्होंने आपदे ही रिश्तेदारों नूं दुकानां खिला दियां तो इस करके उतों सैंपल सही भरे नहीं जाने ये पता नहीं किस तरह भी इन्हां ने उस अफसर ने जां किसी होर अफसर ने सैंपल भरिया सी वह फेल हो गया। ये हुण सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि ये जांच करे क्योंकि इन्होंने दोबारा उन्हों रीटैसटिंग पाता जो रीटैसटिंग पाया ये जरूर है भी ये सैंपल की अदला बदली करे। ये असी एक दिन ज मैं जाके खुद चीफ साहब नूं भी कह के आया भी वो सैंपल दोबारा उस सैंपल भेजा जाए पर मैनू शक है भी ये वो सैंपल अदला बदली करे। दूजी खेड जी चीफ साहब ने खेडी है वो ये कि उस अफसर की बदली करके इतने मोगे मोगे जी बदली करती जबकि खेतीबाड़ी डायरैक्टर साहब का हुक्म होना चाहिए सी उन्हों का फर्ज बनता सी कि उस अफसर इस जिले तो बाहर लाया जाता। सानू पूरा किसानों इस गलते इतराज आ सारे किसान दुखी है क्योंकि लगातार तुसी सुन रहे हैं कि गुलाबी सुंडी कि कोई चिट्टी मक्खी चिट्टा मच्छर होर बड़िया नकली दवाइया आ रही जिदा कि कोई भी खेतीबाड़ी अफसर प्रॉपर तो तौर पर नहीं चैकिंग करता। ये लगता तो यही है पूरा पूरा भी खेतीबाड़ी विभाग की मिली भुगत बिना किसी दुकानदार की हिम्मत नहीं बन सकती कि वह नकली दवाइया बेच सके। इस दौरान मुख्य खेतीबाड़ी अफसर डॉक्टर प्रितपाल सिंह का कहना सी कि मोगा की नवी दाणा मंडी स्थित तालीवाल पोस्ट कंट्रोल के भरे सैंपल फेल होए ने। खेतीबाड़ी अफसर अनुसार जिले अंदर नकली दवाइया की भरमार को रोकने लिए वड्डे पद्धर से छापेमारी की जा रही है। एक तालीवाल पेस्टिसाइड दवाइया का काफ़ी जरा चल रहा है कि कारण कि सर सैंपल भी फेल होए किस तरह की कार्रवाई पाई जाए। सैंपल तो रूटीन मैटर है कि सैंपल तो मतलब मंथली टारगेट सानू मिलते हैं वो हर ब्लॉक है जोड़ा अपने टारगेट पूरे करने वास्ते रूटीन मैटर के नाल सैंपल मतलब भरता उ रूटीन के दुकान तो मतलब सैंपल भरया गया जोड़ा फेल पाया गया। सर यही पता लगे जी तालीवाल दुकान एक जो नज़दीकी है वह खेतीबाड़ी विभाग से भी दसा जा रहा है जी बट वो संबंध तो कोई नहीं तो अलग रेंगे ने भरा तो जरूर है बट वो अपनी थां वो अपनी थां वा। सर किस तरह की कार्रवाई पाई गई है? कार्रवाई इस तरह भी जो सैंपल फेल हों असी शोका नोटिस जारी करते हैं फर्म नूं वो फर्म रिप्लाई दिंदी आ बेनती करती है भी साडा रीटैसट करवाया जाए तो वो कोर्ट राही फिर रीटैसट आ जिहड़ा उहनूं दित्ता जांदा रीटैसट का रिजल्ट तो पहले ही है जिहड़ा वो लाइसेंस असी कैंसल कर दें तो वो साडा एक प्रोसैस है तो रिजल्ट आने तो बाद फिर अगली कार्रवाई है जी कोर्ट की वो चलती है। सर इस संबंधी किसानों वालों भी कोई शिकायत पत्र दिए गए? नहीं किसान वालों सानू कोई कंप्लेंट इदा की नहीं प्राप्त हुई इस फर्म के खिलाफ। उधर दूजे पासे जदों उक्त पेस्टिसाइड दवाई विक्रेता नाल गलबात की तो उन्हों का सिक्ख्या सिखाया जवाब सी कि उन्हें खुद महकमे को बुला के दवाइया के सैंपल भरवाए ने जो दवाई के सैंपल फेल होए ने वो दवाई दुकान चों
ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੇਸਟ ਕੰਟਰੋਲ, 183 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ? ਸਰ, ਸਿੰਪਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਭਰਾਏ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਬਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸੈਂਪਲ ਭਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਸਿੰਪਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ 600 ml ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਡੱਬਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਟਲ ਆਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ, 24 ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਅਤੇ 24 ਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਗਏ, 22 ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਿੰਗ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿੱਲ। ਅਤੇ ਸਰ, ਜੇ ਸੈਂਪਲ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਆਪ ਮੰਗਾਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਫਿਰ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਰੀਟੈਸਟ ਦਾ। ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਚੁੱਕ ਗਏ, ਆਪ ਭਰਾਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਆਪ ਭਰਾਏ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਚੁੱਕ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੀਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਸਿੰਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਗਏ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਾੜੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਰੀਚੈੱਕ ਸਰ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਉੱਥੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ ਬ੍ਰਦਰ ਅਲੱਗ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਅਲੱਗ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਏ ਜੀ? ਸਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਮੋੜਤੀ ਆ, ਰੀਚੈੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਰੀਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਤੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਲ ਕਰਤੇ ਨਾ ਸੈਂਪਲ ਜੀ, ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰਤੇ ਆ ਜੀ ਸਰ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਰੀਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ। ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦਵਾਈ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ